बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मिक्सिस कुजीन। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टेम्पुरा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है 1/2 kg। ये ब्रेस्ट पीसेस मैंने लिया था, उसके हमने इस तरह स्ट्रिप्स में काट लेने हैं। इस तरह से आपने लंबे लंबे, जितना लंबा आपने बनाना है या जिस जिस शेप का आपने आपको चाहिए उस शेप से आप काट लें। और उसके लिए सॉसेस में हमें चाहिए हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून, और लेमन हमने लिए 3 अदद, और सॉल्ट और पेपर आपने टेस्ट के हिसाब से, वैसे 1/2 टीस्पून सॉल्ट पेपर का हमने यूज किया है। अब हमें लेमन जूस के साथ ही सारी सॉसेस भी ऐड करके और स्पाइसेस भी ऐड करके इस मिक्सचर में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ऑयस्टर सॉस अगर ना इस्तेमाल करें तो आपकी अपनी मर्जी पे है। ऑयस्टर सॉस या वर्सेशायर सॉस सिर्फ मीट को टेंडर करने के लिए और जूसी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसे स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये जरा जूसी टेम्पुरा तैयार होते हैं या जूसी आपका मीट तैयार होता है। वो हम इसके अंदर चिकन को डाल के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, और साथ आप इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप, कॉर्नफ्लावर लिया है 6 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर हमने लिया है 1 टेबल स्पून, और अंडे लिए 3। हमें इसकी सिर्फ सफेदियां यूज करनी है, हमने इसकी जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी। तो हम सबसे पहले अंडों की सफेदियों को बीट करेंगे अच्छी तरह से। हमने सफेदियां और जर्दियां अलग कर दी हैं, अब हम सफेदियों को अच्छी तरह बीट करेंगे, और हम इतनी देर तक बीट करेंगे कि फोमी शक्ल में आ जाए इस तरह से। इससे आपके टेम्पुरा बहुत अच्छे फूले हुए और क्रिस्पी तैयार होते हैं। अब हम इसके अंदर मैदे को ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, और टेस्ट के हिसाब से हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, वो कोटिंग में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा आप इसमें स्पाइसेस ऐड ना करें, वो फिर अच्छा नहीं लगता। और अब सबसे मेन इसका हिस्सा जो है ये ठंडा पानी, चिल वाटर हमें चाहिए। जैसे देखिए, बर्फ वाला पानी आपको इसके लिए चाहिए। 1 कप भर के हम इसके अंदर ठंडा चिल वाटर यूज करेंगे, और अब फिर हम इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे इस तरह से। हम इसे इतनी देर तक बस बीट करेंगे कि ये लम्ब सारे इसके मैदे के, कॉर्नफ्लावर के, वो ख़त्म हो जाए। अब हम सबसे पहले चिकन को सादे मैदे में कोट करेंगे, और फिर इस बैटर में कोट करके हम इसको फ्राई करेंगे। और इसकी फ्राइंग भी हम डबल करेंगे, पहले हम इसको हाफ कुक करके निकाल लेंगे। हम इसको डालते जाएंगे, और तेज ऑयल में हमने, गर्म ऑयल में हमने इसको डालना है। इस तरह से आप डालेंगे तो ये साथ ही फूलते जाएंगे, तो हम इसको डिश आउट कर देंगे फौरन इस तरह से। इसको आपने फुल गोल्डन नहीं करना, अभी आपने इसको हाफ कुक करके निकाल लेना। आप इसको किसी भी, आपने अगर इसको फ्रीज करना है तो किसी भी डिश में आपने इसको खुला खुला करके रखना है, आपने एक दूसरे के ऊपर इसको नहीं रखना, वरना ये चिपक जाएंगे और वो फिर आपको वो लुक नहीं देंगे जो आपको चाहिए। आपने इसको अगर फ्रीज करना है तो इस तरह आप एक लाइन अप करके इसको आप इसको फ्रीज करें, और फिर हम इसको जब भी चाहें आप निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। इस तरह इसकी जो लुक है और क्रिस्पी पान है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करेंगे। ये बहुत मजे के और क्रिस्पी चिकन टेम्पुरा तैयार होते हैं। अब हम इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये इस तरह की जब शक्ल में आ जाएंगे तो आपका चिकन टेम्पुरा बिल्कुल तैयार है। आप इसको जरूर ट्राई करें, और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। आप मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।